खेतान मार्केट पूर्ण रूप से हमारे खेतान परिवार का है, इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है। जब जो चीज़ जिसकी नहीं है वो कैसे किसी को गिफ्ट करेगा या बोलेगा, तो ये एक तरह का मुहावरा उन्होंने कहा है। हाँ, ये जरूर है कि जब ये मार्केट बना था उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्कर्ष। एक बार फिर से सुशील मोदी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसको लेकर बिहार में फिर से हलचल तेज हो गई। इस हलचल तेज होने का कारण खेतान मार्केट है। खेतान मार्केट को लेकर कई सारी बातें जो हैं वो उठ रही हैं। अब एक तरफ सुशील मोदी कह रहे हैं कि यह खेतान मार्केट अगर मेरा है तो मैं लालू परिवार को गिफ्ट कर देता हूँ। इस तरीके का बयानबाजी लालू परिवार को नहीं करना चाहिए। हालांकि ये क्यों उठा और क्या बात है, पूरी जानकारी हम खुद खेतान मार्केट के जो मालिक हैं उनसे ही लेना चाहेंगे। सर, इस तरीके की बात आ रही है कि ये खेतान मार्केट किसका है, ये खेतान मार्केट कह रहे हैं कि अगर मेरा है तो मैं लालू जी को गिफ्ट कर दूंगा, तो किसका है खेतान मार्केट? खेतान मार्केट पूर्ण रूप से हमारे खेतान परिवार का है, इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है। और ये बने हुए 30 साल हो गया है, तो इसमें हमारे परिवार के अलावा किसी का भी इसमें हिस्सा नहीं। तो इस तरीके का बयान अगर आ रहा है तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लालू परिवार पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके का आरोप ना लगाएं, अगर ये मेरा है तो मैं खुद आपको गिफ्ट कर देता हूँ? देखिए, ये सुशील मोदी जी ने कहा है, मैं तो ये बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके परिवार का है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। और ये पूर्ण रूप से हमारे परिवार का है, आज से 30 वर्ष पहले ये बना है। और चूँकि ये बयान इसलिए आ रहा है कि कल हमारे माननीय मंत्री रामानंद जी ने एक बयान दे दिया था कि ये मार्केट सुशील मोदी जी के परिवार का है, उसके रिवर्स में सुशील मोदी जी ने ऐसा कहा है, तो हमारे माननीय मंत्री जी को कहीं से कुछ गलतफहमी हो गई है या उनको कोई गलत फीड मिला है कि खेतान मार्केट सुशील मोदी जी के परिवार का है। इसमें सुशील मोदी जी के परिवार का ही नहीं, किसी का भी, किसी खेतान परिवार के अलावा किसी का भी इसमें कोई अंश नहीं। तो सर, हम एक बार फिर भी चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप बता दें, हमारे दर्शकों को, कि ये किनका है और आपका नाम क्या है और ये परिवार से कब से ये ताल्लुक है और ये कब बना था और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरा नाम रामलाल खेतान है और ये जो हमारा खेतान सुपर मार्केट है ये 1991 में बनना शुरू हुआ था, आज से 31 साल पहले। और इसमें किसी की भी, हमारे परिवार के अलावा किसी की भी इसमें न हिस्सेदारी है न कोई साझेदारी है। अच्छा, तो ये बात सिरे से खारिज किया जा सकता है कि लालू परिवार का कुछ नहीं है इसमें, लालू परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें, कहीं से लालू परिवार का कोई? हाँ, ये जरूर है कि जब ये मार्केट बना था उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। अच्छा, केवल मुख्यमंत्री थे इस वजह से इतनी सारी बातें उठ गई? नहीं, ये बातें उठ रही हैं इसलिए कि हमारे माननीय मंत्री रामानंद जी ने ये कहा कि ये सुशील मोदी जी के परिवार का है, इसलिए सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि ये मेरा अगर हो तो मैं लालू जी को गिफ्ट कर दूँ। तो जब जो चीज़ जिसकी नहीं है वो कैसे किसी को गिफ्ट करेगा या बोलेगा, तो ये एक तरह का मुहावरा उन्होंने कहा है। फैक्ट में इसमें किसी भी राजनेता, किसी भी दूसरे खेतान परिवार के अलावा इसमें किसी का भी कोई अंश नहीं है, ये पूर्ण रूप से खेतान परिवार का है और आज से 30 साल पहले ये बना। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ खेतान मार्केट के उन्होंने, जिन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो खेतान मार्केट है ये केवल खेतान परिवार का, और इस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ये साफ तौर पे गलत है। और सुशील मोदी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो बिहार के माननीय मंत्री के बयान के बाद इस तरीके का बयान आया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।